हेलो दोस्तों, दुनिया सबकी में आपका स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैं लाइब्रेरी गई थी और वहाँ पे मैंने सुना कि हम लाइब्रेरी में प्यार से बात करते हैं। और मैं सोच रही थी तब कि प्यार से का मतलब क्या होता है। सोचते सोचते मैंने कहानी पढ़ी और उसमें मैंने और सोचना शुरू किया कि इस कहानी में प्यार से का मतलब क्या है। आज की कहानी है बेढंगी। इस कहानी को लिखा है केन स्पिलमन ने, इसके चित्र बनाए हैं मंजरी चक्रवर्ती ने और इसका अनुवाद किया है उर्मिला गुप्ता ने। तो देखते हैं, चित्र देखकर तो लग रहा है कि यहाँ पे ये जो लड़की है वो फिसल गई है और उसके हाथ से उसके कलर्स और ड्राइंग्स गिरने वाले हैं। पर कहानी का नाम तो है बेढंगी। बेढंगी कौन है? क्या इस लड़की के बारे में बात हो रही है या इसका नाम बेढंगी है? देखते हैं। बेढंगी, मेज पर दूध गिरा देख उसकी माँ ने कहा। सुस्त राम उसके जूतों में उसे जूतों में उलझा देख उसके पापा बड़बड़ाए। हमेशा खोई खोई उसकी उसके छड़ी से टकराने पर दादी ने आह भरी। यहाँ पे तो लग रहा है कि सारे काम उल्टे हो रहे हैं। दूध गिर गया, वो थकी हुई है इसीलिए शायद जूते धीरे धीरे बांध रही है और अब तो दादी की छड़ी भी गिर गई। वह चीजों से टकराती, उन्हें लुढ़काती, तोड़ देती, लोग शिकायत करते, फटकारते और मजाक उड़ाते। कितनी लापरवाह, उसकी किताब देखकर टीचर उस पर बरस पड़ी। गंदी पंदी, दोस्तों ने चिढ़ाया जब उसने कपड़ों पर दाल गिराई। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि लोगों ने आपको इनमें से या कोई और नाम से बुलाया हो जब कोई काम उनके मुताबिक ना हुआ हो या कोई काम जो उन्हें लग रहा हो कि आपने सही से नहीं किया या वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था? ढीली, उसके हाथ से गेंद गिर जाने पर गेम्स टीचर चिल्लाए। लापरवाह, सुस्त राम, ढीली, खोई खोई, बेढंगी, ये शब्द दूसरे शब्दों को डराकर भगा देते थे। मैं सोच रही हूँ कि इसका क्या मतलब है कि ये सारे शब्द दूसरे शब्दों को डराकर भगा देते थे। सुनने पर तो ये शब्द वैसे बहुत खतरनाक है ना? ये शायद उसको चोट पहुंचाने के लिए कहा जा रहा है, उसका मजाक उड़ाने के लिए कहा जा रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि ये शब्द सुन के उसको कैसा महसूस हो रहा होगा। क्या उसे अच्छा महसूस हो रहा होगा या बहुत ही बुरा महसूस हो रहा होगा? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं कहना, उसकी माँ पूछा करती। उसे कहना था लेकिन उसके शब्द बाहर नहीं आ पाते। उसके शब्द बाहर क्यों नहीं आ पा रहे थे? क्या उसके शब्द इन बाकी शब्दों की वजह से नहीं बाहर आ पा रहे थे? वो ये सब जो चीज़ें अपने बारे में सुन रही थी, क्या इसकी वजह से वो कुछ कह नहीं पा रही थी? पेड़ पर ऊंचा घर, हरा पीला चिड़िया, गिलहरी, बच्चे, उसके दिमाग में शब्द कहानियाँ बन जाते और कहानियाँ तस्वीरें बन जाती। वह उंगली में हवा से तस्वीरें बनाया करती। उसे आँखें बंद करे उनमें रंग भरा करती। कहने को तो बहुत कुछ है, शायद शब्दों से नहीं पर रंगों से, तस्वीरों से, कहानियों से। तस्वीरों को वह देर तक देखती रहती। उन्हें देख कभी वह गाना चाहती तो कभी रोना। कुछ तस्वीरें उसमें अपनेपन का एहसास जगाती, कुछ उसे डरा देती। रंग उसके मुंह में एक स्वाद सा छोड़ जाते।
एक दिन उसकी दादी ने उसे एक डिब्बा दिया। उसके अंदर थे कई रंग, एकदम साथ साथ लेटे हुए, जैसे बिना मोड़ का इंद्रधनुष। उनके साथ रंग भरने का एक ब्रश भी था। अरे वाह, अभी तक तो वो अपनी उंगलियों से तस्वीर बना रही थी और आंखें बंद करे उनमें रंग भर रही थी, पर अब उसे असली में एक रंगों का डिब्बा मिल गया है। क्या बनाएगी वो इन रंगों से? रंग उसके आसपास थिरकने लगे और वह भी उनके साथ झूम उठाना चाहती थी। यहाँ पे तो बहुत खुश लग रही है अब। हाथों में ब्रश लिए वह खुद को देखती, बिना गिरे मज़े से घूमते हुए, बिना छलकाए दूध पीते हुए, हर बार गेंद पकड़ते हुए। इन रंगों से, इन ब्रश से वह शायद अपनी कहानी कह पा रही है, जैसे वो अपने आप को देखती है वो कह पा रही है, और वैसे नहीं जो लोग जिसे जैसे उसे देखते हैं। वह अपनी सभी कहानियों को रंगती और कोने में अपना नाम भी लिखती। मैं ये भी सोच रही हूँ कि अभी तक हमें इसका नाम नहीं पता, हमें सिर्फ वो नाम पता है जिससे लोग इसे बुला रहे थे, वो नाम नहीं जो इसका नाम है। और अभी तक तो लोग जो इसको पहचान दे रहे थे, जो शायद इसका मजाक उड़ाने के लिए थी या इसे चोट पहुंचाने के लिए थी, पर इन ब्रश से, इन रंगों से वह अपनी खुद की कहानी कह पा रही है, अपनी खुद की पहचान बता पा रही है। वह नाम जो उसके मम्मी पापा ने दिया था, जो काफ़ी लोग भुला चुके थे, और वह नाम ना तो बेढंगी था, ना सुस्त राम, ना खोई खोई या लापरवाह, ना गंदी पंदी या ढीली। शायद अभी तक हमें इसका असली नाम नहीं पता चला है, पर हमें ये तो पता है कि उसकी पहचान वो नहीं थी जो लोग उससे दे रहे थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने या तो किसी को कुछ ऐसे नाम से बुलाया हो, चोट पहुंचाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, किसी ने आपको ऐसे किसी नाम से बुलाया हो? क्या हमें कोई नाम ऐसा किसी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो उनसे उनका आत्मसम्मान छीन ले? क्या आपको इस कहानी में कहीं प्यार से दिखाई दिया, और प्यार से का मतलब क्या है आपके लिए? आई होप कि आप लाइब्रेरी आएंगे और इसके बारे में बात भी करेंगे किसी लाइब्रेरियन से या अपने दोस्तों से। हम आपसे लाइब्रेरी में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना।